गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी सेठी और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर साक्षी सेठी के व्लॉग्स। और जी हाँ, ये मैं नहीं हूँ। आज की कहानी कुछ अलग ही है। आज का व्लॉग जो है वो व्लॉग तो ज़रूर है, लेकिन वो मेरा व्लॉग नहीं, वो है इन महाशय का व्लॉग। तो स्टोरी शुरू करते हैं और मिलते हैं इनसे। ये है हमारे घर की आन बान शान, मिस्टर जिनी भट्टेजा। जी हाँ, जिनी हमारी ज़िंदगी में आया था एक जिन की तरह, इसीलिए हमने उसका नाम रखा था जिनी। और जब वो हमारे घर आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे। तो ये महाराजा को कुछ नहीं है पता कि वो एक इंसान नहीं है, डॉग है। हमारे घर का सबसे सबसे ज़रूरी मेंबर जो है वो ये महाशय हैं, और इसीलिए ये ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ैल है और ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर्ड है। तो आप देख रहे होंगे ये पट्टा खींचा जा रहा है। ये पट्टा इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि उसको पता है उसको नहाने जाना है, और उसका नहाने का एज ऑलवेज़ कोई इरादा नहीं है। हर बारी नहाने के लिए ऐसे ही महाशय को खींचना पड़ता है। इनफैक्ट हर काम के लिए ऐसे ही खींचना पड़ता है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे नहाते हैं जिनी जी। क्या कि हमें किसी भी तरह से बच नहीं पाऊंगा, तो उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया। अब देखना, ये जो जिनी है ना, ये पूरा शीप में बदल जाएगा। जिनी नहाने लगा है। अब नहाने के टाइम ये कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इसको नहलाना भी पट्टा डाल के पड़ता है, कभी भाग जाता है। देख रहा है कि मेरा मेरी वीडियो ले रही है। जीनी के इतने लंबे बाल हैं कि इसमें शैम्पू भी बहुत सारा लगता है। अभी तो इसके कटवाए हुए बाल तो इतने लंबे हैं, नहीं तो इसके जमीन तक बाल खर्च करते हैं। जीनी अपने आप को सुखा रहा है। रीटा दीदी ने अभी अभी चादर चेंज कर रही थी, फिर मैंने बोला अभी मत करो, अभी अपने आप को सुखाएगा, फिर हम चादर चेंज कर देंगे। अब साफ से अभी इस टाइम खेलेगा। और नहाने के बाद अब जनाब का नंबर आया है कंघी कराने का। कंघी कराना जिनी को सबसे 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 ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही आराम से प्यार से कंघी करवाता है। एंड इसके जो बाल है वो बहुत बड़े हैं, मतलब इवन दो अभी ये कटे हुए हैं, लेकिन लासा एप्सो, एक्चुअली ये जो ब्रीड है ये लासा एप्सो, तो इनके बाल बहुत लंबे होते हैं, ज़मीन तक होते हैं।
तो अब महाराजा जी करवा रहे हैं अपने बाल, आई मीन कंघी। और इसी के साथ क्या तैयार श्यार होके हो गया है जिनी के सोने का टाइम। अब महाराजा एक दो घंटे की नींद लेंगे आराम से। एंड जिनी इज हंग्री नाउ। है ना ये बहुत अजीब बात। जी हाँ, जिनी ऐसे ही खाना खाता है और ये हमारे घर की सबसे बड़ी समस्या है। अगर उसको हाथ से खाना नहीं खिलाओ तो वो खाना नहीं खाता है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है एंड ही से आई मीन डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये सिर्फ पैम्पर्ड है इसलिए ऐसा है एंड अदरवाइज कोई और इशू नहीं है। पर जनाब क्या कर सकते हैं, पहले दिन से बच्चे बने हुए हैं तो वो बच्चा कंटिन्यू ही हो रहा है। ये है और पुरानी कोई क्लिप जहाँ पे मैं आपको आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि वो ऐसे ही खाना खाता है। तो चलिए अब जिनी को एंजॉय करने देते हैं उनका लंच और फिर देखते हैं जनाब का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। और अब घर में आए हैं किशन भैया और ये हमारे हाउस हेल्प ही हैं एंड बहुत खुश होता है, बहुत प्यार करता है जिनी जो भी हमारे घर के नॉन लोग होते हैं उनसे। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप एक ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप ज़रूर एक पेट लवर, डॉग लवर होंगे या फिर एनिमल लवर होंगे। मैं आपसे अपने तहे दिल से बोलती हूँ कि जितना हो सके एनिमल्स के साथ काइंड रहिए। वो बोल नहीं सकते तो आप लोग जितना उनको प्यार दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं और रिटर्न में इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में जिनी की क्या अहमियत है एंड व्हाट रोल ही प्लेज़ इन आवर लाइफ इज़ टू नेक्स्ट लेवल। एंड प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल, प्लीज़ बी उनको हर्ट ना कीजिए किसी भी तरीके से। अगर किसी को हेल्प भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट हर्ट नहीं करना। एंड मैं तो यही कहूँगी कि जितनी किसी अगर स्ट्रीट पे भी कोई आपको डॉग दिख रहा है तो अगर कुछ डाल सकते हैं उन बेचारों को तो प्लीज़ डालिए। उनका और कोई नहीं होता, हमारे ही ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर बेचारे कचरे में से कुछ ढूंढते हैं। मम्मी जिनी के साथ साथ इनका खाना भी जो हमारे अपने गली में स्ट्रीट के जो डॉग्स हैं उनका भी साथ में मंगाती हैं एंड एवरी नाइट ये हमारे घर का नियम है कि उनको भी खाना दिया जाता है। एंड लुक एट हाउ हैप्पी दे आर। और ख़ुद को खुशनसीब समझिए कि आप इस लायक है कि आप किसी और का पेट भर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ha 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 ha!